हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप मार्केट से एडनेट वाईफाई अडेप्टर लेकर आए हैं और आप अभी भी विंडोज़ 7 यूज कर रहे हैं या आप विंडोज़ 8 और 10 में भी हैं और आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप उसको सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस डिवाइस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका ड्राइवर चाहिए होगा, जिसका कि डाउनलोड लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहते हैं और आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप dtptiff.com से वेबसाइट पर, जो मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पर आइए और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्च बार है, आप इस पर सर्च करिए एडनेट। ठीक है दोस्तों, आप इस पर सर्च करेंगे एडनेट तो आपके सामने एक पोस्ट खुल जाएगी, जैसे यहाँ आ गई है कि हाउ टू इंस्टॉल द एडनेट ड्राइवर वाईफाई मैनुअली यूजिंग द डिवाइस मैनेजर। तो आपने इसको खोल लेना है और इसमें आने के बाद दोस्तों, इसमें जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो पूरी पूरी टिप जो है आपको यहाँ लिखी हुई है, और इसमें आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ जो उसका ड्राइवर है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले ड्राइवर विंडोज़ के लिए है, ये लिनक्स के लिए है और ये मैक के लिए है। तीनों के वर्जन जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उनके लिए ड्राइवर मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है। आपने किसी पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मेरे पास विंडोज़ है, तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। विंडो आप जब विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या आप कोई और यूज़ करें तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर लिए। मैं आज आपको जो विंडोज़ वाला है उसके लिए आज बताने वाला हूँ, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक के पास एक नई विंडो खुल जाएगी और वहाँ पर लिखा होगा प्रिपेयरिंग डाउनलोड। तो आपके पास ये 10 सेकंड लेता है उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको फाइल सर्च कर उसको लेने के लिए। तो 10 सेकंड के बाद ये डाउनलोड जो प्रोसेस है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने किसी भी, जहाँ पर आप इसको चाहते हैं, जिस भी लोकेशन, जैसे कि अभी यहाँ आएगा, देखिए आ गया, तो आप इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद आप विनरार आपका सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो विरार फाइल है या जिप फाइल है, जिप फाइल है, तो आप उसको खोलने के लिए विनजिप या विनरार चाहिए होगा, तो आप इसको वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो मैंने फाइल अभी डाउनलोड करी है अपने वेबसाइट dtptiff.com से, वो यहाँ पे मैं सेव कर रखी है मैंने डाउनलोड्स में कंप्रेस्ड के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसको पहले करना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स। तो जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हो, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लिए, जिससे आप जो भी आपको तरीका प्रेफर्ड अच्छा लगता हो। तो अब यहाँ खोलने के बाद, जैसे आप उसको खोलेंगे इसके अंदर देखेंगे आपको एक फोल्डर बना होगा विंडोज़ नाम से, आपने इसे भी खोलना है। और इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने देखना होगा फाइल के पास लिखा हुआ है setup.exe, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने जो अपना वाईफाई डिवाइस है आप उसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर लगा लीजिएगा, सो देखिए ड्राइवर इंस्टॉल हो तो यह जब रन करे तो उस डिवाइस को अपने आप डिटेक्ट कर ले। ठीक दोस्तों, तो अब हम इसको रन करते हैं अपने इस विंडोज़ डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि सेटअप जो exe फाइल है वो स्टार्ट होती है और हमसे मांगता है यूजर एक्सेस कंट्रोल, आपने सिंपल यस कर देना है। और यस करने के बाद देखेंगे कि आप जो यहाँ पर इसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। और दोस्तों, आपने जो स्क्रीन आ रही है, आपने ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट, जब भी हर बार नेक्स्ट आता है आपने सिर्फ उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कर देना है। और आपके पास जो थोड़ी देर में आप देखें कि जो डिवाइस है यह आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा है नाउ इंस्टॉलिंग रियल टेक यूएसबी वायरलेस ड्राइवर, और आप नीचे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका जो वाईफाई डिवाइस है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और आप इस पर अपना जो भी आपका वाईफाई पासवर्ड डिवाइस का आपने सुन लो आपका है, आप उसका पासवर्ड डालिए और उसके बाद आप इसको पूरी तरह इंजॉय कर पाएंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे। ये देखिए यहाँ पे आपका मेरा जो डिवाइस है वो अडेप्टर है वो शो कर रहा है, मैंने पासवर्ड डालूंगा यहाँ पर। और उसको डालने के बाद आपने, अगर आपके पास रिस्टार्ट करने की स्क्रीन आ रही है तो आप उसको नो कर सकते हैं, क्योंकि आपका डिवाइस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप नो भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ये डिवाइस काम प्रॉपरली करेगा।